नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार उधमपुर। मैं हूं नरेश ठाकुर। सबसे पहले आपको लोहड़ी पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से। फिर बात करें रंग बच्चे जम्मू कश्मीर के चेहरों की, तो वाकई एक चेहरा हमारे बीच में है जिन्होंने जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे भारत में कोने कोने जाकर अपने नाम रोशन किया है। वो है प्रत्याग नेहरू ज्योत क्लब, जो आज भी अपनी भाषा को कायम रखने के लिए जगह जगह पर नाटक के साथ साथ भूमिका निभा रहे हैं। आज सीधा हम उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस क्लब को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने पूरे उधमपुर का नाम रोशन किया है। जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो अपने नाम के साथ बताएं कि किस तरह से आपने इस नाटक को आगे बढ़ाने के लिए कैमरे देश सुल्तानपुरी के नाम से मुझे जानते हैं। लगभग 1990 में हमने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक छोटा सा ग्रुप तैयार किया, उसमें सोशल काम करना शुरू किए, छोटे छोटे बच्चों के कार्यक्रम करना शुरू किए। लेकिन हमें लगा क्यों ना, बच्चों में टैलेंट तो है लेकिन आगे आने का मौका बहुत कम। हमने कोशिश की छोटे छोटे नाटकों को लेकर बनाने की, जिसमें कई तरह के नाटक शामिल थे, खेलना शुरू कर दिए। अंत नेहरू युवा केंद्र उधमपुर का हमें साथ मिला, काफ़ी योगदान मिला। उसके बाद 1999 की बात है, हमारा क्लब रजिस्टर्ड हो गया। और मैं आपको बता दूं कि उस समय रामलीला काफ़ी जोरों शोरों से चलती थी। जो आर्टिस्ट वहाँ काम करते थे, शायद वही आर्टिस्ट आगे भी काम करना चाहते थे, लेकिन रामलीला का जो मयार था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। और नाटकों का भी मयार उस समय कम ही था, लेकिन हमें देखा कि लड़कों को जरूरत है रंगमंच की, क्योंकि रंगमंच एक जुनून है, एक जरिया है, एक आत्मविश्वास है, जो एक आर्टिस्ट में दूर तक भर के रख देता है। आज हम बात करें उधमपुर की, और मुझे लगता है कि एकमात्र क्लब हमारा ही बचा है जो नाटकों के साथ लगभग 30 वर्षों से जुड़ा है और अभी तक बरकरार नाटक करता आ रहा है। सर, आपके आपके क्लब की कितने कलाकार हैं और कौन कौन से नाटक ज़्यादातर खेले जाते हैं? नाटक तो बहुत सारे कर चुके हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अरुण जी, विजय बीरू जी जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उसके बाद हमारे संदीप खजूरिया जी हैं, उसके साथ राहुल जी हैं, सर्वर्गीय साना जी हैं, और शीतू सदोत्रा जी हैं, मनोहर जी हैं, दीप राजपूत जी हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि अब तक इन 30 वर्षों में लगभग 350 कलाकार इस ग्रुप से काम करके आगे निकल चुके हैं, और इस समय भी 60 के करीब लड़के लड़कियां बिल्कुल बराबर हमारे क्लब के साथ जुड़ी हैं और वो नाटकों में हिस्सा लेती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नाटक बाबा जी तो हमारा पूरे हिंदुस्तान में खेला जा चुका है, उसके लगभग 60 से ज़्यादा शो भारत के कोने कोने में हो चुके हैं। इसी तरह नाटक जंग कश्मीर जो आर्मी पर आधारित है, आर्मी ने उस नाटक को लेकर अपने कितने ही शो अपने रेजिमेंट में, अपने मतलब जो सालाना दिवस होता है उसके ऊपर खेल कर काफ़ी आनंद प्राप्त किया है। और क्लब के लड़के बाकायदा स्कूलों में जाके स्कूल के प्रिंसिपल्स वगैरह, स्कूल स्टाफ वगैरह, उनको बुला के बच्चों को रंगमंच के लिए अभिनय सिखाने के लिए बुलाते हैं, और कलाकार बराबर उनके साथ भी जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि उधमपुर में भी रंगमंच का विशेष आधार बने, रंगमंच को लेके लोग आगे आए, अपने बच्चों को एक अच्छे मैनर्स देने के लिए उनको रंगमंच से जोड़ें, क्योंकि रंगमंच एक ऐसा जरिया है जो आपके बच्चों में विशेष योगदान भर सकता है, मतलब उसको खड़े होने की फीलिंग, आगे बोलने की फीलिंग दे सकता है। इस तरह से काफ़ी सारे संस्कार थिएटर में देखने को मिल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे को मोबाइल से दूर रख के उसको ऐसे अच्छे संस्कार देने का कष्ट करें, ताकि आपका बच्चा आगे आके इस टैलेंट को बढ़ावा दे सके, अपनी मातृभाषा को बढ़ावा दे सके और लोगों के साथ खुलकर बात कर सके। सर, आप बाबा जी तो नाटक के साथ जुड़े हुए और काफ़ी आपने नाटक के माध्यम से अलग अलग राज्य में इस भाषा को
जाने का प्रयास किया, और किस तरह से जो लोग ज़्यादा हिंदी में पढ़े हुए और अपनी भाषा को पीछे कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या मैसेज रहता है? देखिए जी, हम बाबा जी तो डोगरी में काफ़ी बार कर चुके हैं, और जैसे अगर अपने स्टेट के बाहर की बात करें, अगर किसी और राज्य में जाना हो तो हम उसे हिंदी में करते हैं, ताकि हर एक इंसान को समझ आए कि बाबा जीतो जी क्या थे। वो तो हमारे लोकनायक हैं, सबको पता है, और हमारे खासकर डुग्गर के, हमारे जम्मू कश्मीर के इतिहास को खास हिस्सा है, तो हम ऑलरेडी करते रहते हैं। तो बाबा जी तो नाटक में ज़्यादा क्या क्या महत्व रहते हैं और किस तरह से आप तो बताएं? बाबा जी तो में बहुत सारे रोल हैं, तो हर एक रोल अपने आप में काफ़ी टफ है, तो मैं उसमें एक मेहता वीर सिंह का रोल करता हूँ, तो अभी वही करते आ रहा हूँ। बाकी मेरे साथ तो आर्टिस्ट हैं, तो कोई जीतो बनता है, कोई गोरी बनती है, कोई बुआ है ना, तो इस तरह चलता रहता है। तो जंग कश्मीर में ज़्यादा मैं रोल क्या रहता है और किस तरह से आप मैसेज करते हैं उसको? जंग कश्मीर में मैं मिलिटेंट का रोल करता हूँ, जो मेन हेड होता है खान, तो बाकी उसमें यही दिखाया गया कि किस तरह से आर्मी जो है वो इन जो दुश्मन है हमारे, जो विदेशी ताकतें हैं, उनका मुकाबला कर रही है, और अभी भी ये हालात बने हुए हैं, और ना जाने कितने ही सिपाही शहीद हो रहे हैं इस देश के लिए, लेकिन ये मिलिटेंट वो कम नहीं हो रहा। आप नाटक में किस तरीके से रोल करते हो, क्या आपका मैन रोल रहता है, और अन्य लड़की के लिए क्या मैसेज रहता है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही मैसेज रहता है कि आप भी आगे बढ़ें, और मैं बुआ कोड़ी का रोल करती हूँ, और मेरा यही मैसेज रहता है कि आप भी आगे बढ़ें, अपने जो भी एम है उसे लेके आगे चलें, बस यही मैसेज रहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। घर पे बैठ कर नहीं मिलता कुछ भी, अगर आप बढ़ोगे तो ही आप आगे कुछ बन पाओगे, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि सारे आगे बढ़े और अपना एम पूरा करें। आपने कितने साल हुए इस नाटक में आकर, और कौन कौन से राज्य में जाकर आपने भाग लिया इस नाटक? मेरे को अभी 3 साल ही हुए हैं, और मैं जम्मू में तो बड़ी बार किया है मैंने, और एक दो राज्य में और गई। तो सर नाटक की तो आप देख रहे हैं, हमारे साथ जे थे प्रत्याग नेहरू यूथ क्लब, जिन्होंने काफ़ी अच्छा परिवर्तन किया और अपनी अच्छी भूमिका निभाई, और काफ़ी अपने ज़्यादातर तो बाबा जी तो नाटक है डोगरी, उसको बढ़ाने के लिए भी काफ़ी इनका प्रयास रहा। तो मेरा लास्ट में इनसे एक क्वेश्चन रहेगा कि इन्होंने भारत के कोने कोने में जाकर तो काफ़ी एक परिवर्तन लाया, और काफ़ी इन्होंने आप मैसेज दिया अपने नाटक के थ्रू कि उधमपुर के वासी हैं और हम अच्छा परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन उधमपुर वासियों के लिए खास मैसेज क्या रहता है? बात ऐसे है कि मैं डोगरी में भी बात करूंगा आपके साथ कि जे असे मैक्सिमम नाटक जेड़े हैं डोगरी च खेडे, तो साड़ी इसे कोशिश होंगी है कि अपनी मातृ भाषा की रक्षा लिए जिन्ना हो सके करो, तन मन धन करो। लेकिन उधमपुर के लोगों की अस आखना चाहते हैं कि तुझ लोग थोड़ा जहा बाहर निकलो, जरूर नहीं कि फोन के सब कुछ है, बिजनेस से सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, नहीं। अगर तुम अपने बच्चे अगे आना चाहते हो तो थोड़ा जहा उन्हें नाटकें करने जोड़ो, उन्हें अच्छे संस्कारें करने जोड़ो। मैं ये भी दसना चाहन कि सियासत तो उधमपुर से चलती रही है, जिन्हें कि एक छोटी जी एग्जाम्पल है कि ऑडिटोरियम दे देंगे, कदों दे देंगे, 30 साल की साड़ी मांग रही है पिछले, रेडियो स्टेशन देंगे के दिता, अज तक कुछ आर्टिस्ट कोई फायदा नहीं है। बच्चे जो खिलाड़ी सारे स्टेडियम दे देंगे, 40 साल हो गए अज तक, लेकिन कोई स्टेडियम की गल नहीं, बस सियासत दल चल रही, लेकिन अब दूर हो चुके जेड़े, मतलब उस वेल्ला खेलते वो भी बुढ़े हो चुके, हूँ उन्हें भी कुछ स्टेडियम की जरूरत नहीं, हूँ अगे आए बच्चे की जरूरत है, लेकिन वो बच्चे की जरूरत वास्तव पेरेंट्स ने अगे आना जरूरी है। साड़िया मंगा कि पूरी सकियां ये अस लोग असें, मतलब राजनीति मतलब जो सरकारी इमदाद होंगी असें उसी भी छोड़ी दिखते हैं, अस जो भी करा करने अपने बलबूते पर करा करने, उधमपुर के लोग सारा एक कर्म भूमि है, अस इसी भुली नहीं सकते, लेकिन उधमपुर के लोग जदों भी आगन अस फ्री ऑफ कास्ट नाटक करने की तैयार है, क्योंकि बाबा जी तो एक नाटक तो है, एक आस्था भी जुड़ी हुई है उनके कन्ने, कि जे उन्हें जी कुर्बानी दी गई है वो सारे के सामने है, बुआ रानी तो बाबा जी तो शहीद हो गए, लेकिन अज भी वो सारे के सामने लगते हैं कि जेल्ला झिड़ी का मेला लगता है, जा अपने घर जीतो च मेला लगता है, तो साम धाम उनके दर्शन हो जाते हैं, बुआ रानी की अज माता वैष्णो के नाम करने भी जाना जाता है, तो सारे लोगों से ये गल अच्छे तरीके करने मतलब रस्सी वसी है कि बुआ रानी गै एक वैष्णो देवी का अवतार भी है, हर लोग उसी देखना चाहते हैं, तो अस इन्ना आखी सकते हैं कि जो भी उधमपुर के लोग किटे हो आखन कि बाबा जी थोड़ा शो करो, अस फ्री ऑफ कास्ट करने की तैयार हो जाए। तो आपने देखा होगा जे थे प्रत्याग नेहरू यूथ क्लब और उनकी टीम कलाकार
जिन्होंने पूरे विस्तार से बताया। हालांकि इन्होंने भारत के कोने कोने में जाकर अपने अलग अलग भाषा के साथ इन्होंने अपने नाटक को दर्शाया। उसी के साथ इनका शौक है कि उधमपुर में भी इसी तरह इनका इनके साथ कॉपरेट करें और देखें ये फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए भी काफ़ी इशुक हैं और काफ़ी दिलचस्पी से काम करते हैं। जब ये डेडिकेशन के साथ काम के लिए निकलते हैं तो उसको वाकई पूरे शांतिपूर्ण तरीके से निपटा कर आते हैं। इनका उधमपुर के अलावा कई अन्य राज्यों में भी ये भाग ले चुके हैं। आप देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। मुझे दीजिए इजाज़त।